आज एक मेरे पास डेस्कटॉप का बोर्ड आया है, तो इसमें पार्टी का कहना है कि सर मेरा ऑन तो हो रहा है बट डिस्प्ले मेरा फाइनली नहीं है। तो चलते हैं एक बार SMPS वगैरह सारा कुछ इस पर लगा लेते हैं। तो मैं इसका मॉडल मैं दिखा दूँ, 41 या 31 ये होगा समथिंग। ये जेवरोनिक का है, 41 का समथिंग होगा, ये 41 का सीरीज का बोर्ड होगा। तो चलते हैं इसे एक बार फाइनली SMPS लगा के आप लोग को थोड़ा दिखाते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी सारा कुछ SMPS वगैरह लगा लिया हूँ, थोड़ा देखते हैं दीपक को मेरा क्या कोडिंग इसमें फाइनली मेरा शो कर रहा है। थोड़ा ऑन कर लेते हैं। यस, ये मेरा दीपक है, बिल्कुल दीपक कार्ड मेरा ऑलरेडी 40 मेरा शो कर रहा है और मेरा ये फाइनली ऑन है। बट ये मेरा 40 शो कर रहा है, तो एक बार क्यों नहीं सारा इसका सप्लाई पहले चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा क्या फाइनली मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा क्या क्या सप्लाई बन रहा है इस पर। तो ये फाइनली ऑलरेडी ऑन है। अब मैं इसका हर सप्लाई को थोड़ा सा चेक करूंगा। सबसे पहले तो रैम का सप्लाई पहले चेक कर लेते हैं कि मेरा रैम में 1.8 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मेरा रैम का सप्लाई बिल्कुल बन रहा है 1.8 वोल्ट। अब इधर आ जाते हैं PCS की ओर, ये बिल्कुल PCS में भी बन रहा है सप्लाई, बिल्कुल सही है। 5 वोल्ट होना चाहिए था लेकिन कुछ सप्लाई समथिंग कम है। ठीक है, 22 में क्या सप्लाई बन रहा है। थोड़ा सा इसका सप्लाई तो मुझे फाइनली मिल चुका है इसका सप्लाई, तब इसका थोड़ा सा सप्लाई चेक कर लेते हैं। एक साइड में 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही है, मतलब 4 वोल्ट के समथिंग है। 1.8 होना चाहिए, यस। तो इधर होना चाहिए 1.5 या 1.3 या 1.2 के समथिंग होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये एक साइड में मेरा कोई सप्लाई मेरा पर्टिकुलर क्यों नहीं बनाया भाई, एक बार इसे भी देखना जरूरी है। तो बायोस करने से पहले इसे चेक करना पड़ेगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरा कोई सप्लाई नहीं है, मेरा फाइनली इस यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। क्या चयन चैनल है, कौन चैनल का MOSFET है, थोड़ा लिखा हुआ है 3N9R5। तो इसका थोड़ा सा गूगल में सर्च करके देख लेते हैं इसको, अब ये किस चैनल का है उससे पहले चेक करेंगे कि मेरा ख़राब है कि सही है। बिल्कुल भी ये भी सही है, तो ये PCS का सप्लाई सारा सही है। तो एक बार कोर सेक्शन में चेक कर लेते हैं, 12 वोल्ट ये तो सही है। ये मेरा कोर का भी सप्लाई है मेरा बिल्कुल प्रोसेसर में सही बन रहा है 1.3। मेरा कोर का भी सप्लाई बिल्कुल सही है। इस पे लक्ष्य मेरा जा रहा है बायोस का, हो सकता है प्रॉब्लम। प्रोसेसर को एक बार फाइनली चेंज करके देखेंगे। ये जो मेरा MOSFET है आप बिल्कुल देख सकते हैं, MOSFET का नंबर लिखे हैं उसका मैं बायोडाटा डाउनलोड कर लिया हूँ। ये जो मेरा N चैनल का MOSFET प्लस ट्रांजिस्टर ये मेरा है। अब ये ड्रेन सोर्स गेट ऑलरेडी 1, 2, 3 पिन आप देख सकते हैं, 1 और 3, 1 गेट हो गया और ये दोनों मेरा ड्रेन और ये सोर्स। चलते हैं आप फाइनली आप इसी बेस पे आप इसको चेक करते हैं कि ये मेरा ख़राब है कि सही है, मेरा MOSFET खुद पता चल जाएगा इस पे। मैं आपको लगे हुए हम थोड़ा सा चेक करके दिखा दूँ, ये मेरा फाइनली ख़राब लग रहा है क्योंकि ये मेरा इतना ये साइड में 0 बताना चाहिए था जबकि ये मेरा 18 समथिंग बता रहा है, जबकि ये 0 बताना चाहिए था मेरा। ये मेरा 300, 400, 500 तक ये जा सकता है लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, ये इतना जाना नहीं चाहिए था मेरा। बिल्कुल आप देख सकते हैं इतना मेरा जाना ही नहीं चाहिए था, अगर जा रहा है तो इसका मतलब कि ये प्रॉब्लम है मेरा। चलते हैं अब इसे फाइनली एक बार चेंज करके ही पहले इसको देखते हैं, चेंज करने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा क्या इशू है। तो ये आप मेरा देख सकते हैं ऑलरेडी मैं इसे निकाल के फाइनली चेंज कर चुका हूँ। अब चेंज करने के बाद अब इसे फिर से फाइनली, और ये मेरा ख़राब MOSFET है तो उसे निकाल करके मैं इसे ऐड कर चुका हूँ। अब इसमें फाइनली एक बार फिर से
लगा के आप लोगों को सप्लाई पहले चेक कर लेते हैं। सप्लाई पहले ऑन कर लेते हैं और आप लोगों को मैं थोड़ा सा आप लोगों को सप्लाई इसमें दिखा रहा हूँ, क्या सप्लाई इसमें मेरा फाइनली मिसिंग था। 1.8 वोल्ट बिल्कुल सही है, इधर 3.3 था मेरा पहले, बिल्कुल है। अब यहाँ पे मेरा जो था सप्लाई मेरा कुछ नहीं था, बट अभी मेरा क्या सप्लाई है आप देख सकते हैं, ये मेरा 1.5 वोल्ट है कि ये मेरा सप्लाई यहाँ पे नहीं था। चलिए दोस्तों, ये मेरा फाइनली बन चुका है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मेरा बड़ा इशू मुझे मिला नहीं, माउसपेड इसमें ख़राब था, ऑलरेडी ख़राब माउसपेड ये रहा मेरा, तो ये मैंने ऑलरेडी इसे चेंज कर चुका हूँ। मेरा कोर का भी सप्लाई ऑलरेडी बन रहा था, मैं एक बार आप लोग को डिस्प्ले शो दिखाता हूँ। अब चलते हैं, आप लोगों को ऑन करके मैं डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। यस, ये मैं ऑन कर दिया बोर्ड अपना। ये मेरा फाइनली ऑन हो चुका है और मैं आप लोग को थोड़ा डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन में डिस्प्ले, यस ये मेरा फाइनली स्क्रीन आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।